गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर इंग्लिश बुक रियल इंग्लिश अ मल्टी स्केल लैंग्वेज कोर्स फॉर क्लास थर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर रिवाइजिंग अवर सिलेबस वंस अगेन एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड वोकैबुलरी B2 सेक्शन एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर C सेक्शन, दैट इज ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट and discuss it. We have learned different forms of verb, simple past tense में कैसे हम verb की second form को use करते हैं ये हमने पढ़ा था, और किसी को भी किसी present की verb को हम past tense में कैसे convert कर सकते हैं with the help of putting ed at the end। कैसे डी और ईडी लास्ट में लगाने से बहुत सारी वर्ब क्या हो जाती हैं, पास्ट टेंस में हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनमें डी या ईडी नहीं लगाया जाता, उसके बिना भी हम उनको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे डू की पास्ट टेंस क्या हो जाएगी, डिड, डी आई डी हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं C1 सेक्शन। Write the past tense form of these verbs. तो यहाँ कुछ verbs दी गई हैं, इनके हमें क्या करना है, past tense form बता देनी है। ठीक है, तो start करते हैं। First is swim. Swim की past form क्या हो जाएगी, swim, swam. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा swam, swam. Next है have. Have का past हो जाएगा had. तो क्या लिखेंगे, HAD had, HAD had. उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, टेक का took, तो यहां लिखेंगे TOOK took. नेक्स्ट है buy की पास्ट टेंस क्या हो जाएगी, bought, BOUGHT, तो लिखेंगे BOUGHT bought. Write का past tense क्या हो जाएगा, wrote, WROTE, तो लिखेंगे WROTE wrote. Next is bring का past tense क्या हो जाएगा, brought, BROUGHT, तो लिखेंगे BROUGHT brought. Next is sing का past tense क्या हो जाएगा, sang, SANG, तो लिखेंगे SANG sang. और win का मतलब क्या होता है, जीतना, तो win का past क्या हो जाएगा, won, WON won. ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इनको हम। स्विम का पास्ट हो जाएगा स्वैम, हैव, हैड, टेक, टुक, बाय, बॉट, राइट, रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, सिंग, सैंग, विन, वॉन। एक चीज का ध्यान रखेंगे, बाय का मतलब होता है खरीदना और ब्रिंग का मतलब होता है लेके आना, तो ये भी बॉट बोला जाएगा और ये ब्रॉट बोला जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बॉट कौन सा होता है और ब्रॉट कौन सा होता है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉट, ठीक है ना, और जब हम कोई चीज लेके आते हैं तो वो हो जाएगी ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लेके आना, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हम C2 सेक्शन देखते हैं। C2 सेक्शन में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म इन C1। तो C1 के अंदर कुछ इरेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, जिनके पीछे डी या ईडी नहीं लगता, वो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर की जो पास्ट टेंस फॉर्म्स हैं वर्ब की, उनसे हमें ये फिलअप्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, लेट्स रीड द फर्स्ट वन। लास्ट संडे अली डैश इन द रिवर,
तो पिछले संडे रवि ने रिवर में क्या किया होगा? ऑफ कोर्स स्विमिंग की होगी, तो स्विम की पास्ट हमने क्या देखी थी? स्वैम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्वैम, SWAM, स्वैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई डैश चॉकलेट आइसक्रीम यस्टरडे, इट वॉज डिलीशियस। तो कल मैंने क्या खाई थी? चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी और वो बहुत ही टेस्टी थी। तो खाई थी, हैव ली थी ना, हैव होता है कोई चीज कंज्यूम करना, लेना। तो हैव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? हैड, यानी कि मैंने कल चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड, HAD, हैड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या सेंटेंस है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अजीत डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या बोल रहा है कि अजीत ने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा, कहां से लिखा था? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, तो लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट, और राइट का पास्ट क्या हो जाएगा? रॉट। तो यहां क्या आएगा? WROTE, रॉट। ठीक है ना, राइट का पास्ट क्या हो जाएगा? रॉट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु डैश द मैच यस्टरडे। कौन मैच में क्या होता है? या तो हारता है कोई या जीतता है। हमारे पास हारने से रिलेटेड कोई वर्ब नहीं है, जीतने से रिलेटेड विन है। तो या तो मैच जीता ही है, हारा होता तो वो वर्ब दी होती। तो हु विन द मैच यस्टरडे, यस्टरडे के लिए तो हम विन नहीं लगाएंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? वॉन, पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा ना, वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा? हु वॉन द मैच यस्टरडे, WON, वॉन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फादर डैश टू पिक्चर बुक्स फ्रॉम द शॉप। तो मेरे फादर ने टू पिक्चर बुक्स खरीदी शॉप से, वन फॉर मी, एक तो मेरे लिए और दूसरी मेरी सिस्टर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खरीदी है तो बाई आएगा, और बाई की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? बॉट। तो BOUGHT, बॉट, BOUGHT, बॉट। ठीक है ना, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर डैश अ बैरोमीटर टू द क्लास ऑन वेडनेसडे। टीचर एक बैरोमीटर लेके आई क्लास में वेडनेसडे को। तो लेके आने को हमने इंग्लिश में क्या देखा था, जल्दी से बताएंगे, ब्रिंग, ब्रिंग होता है लेके आना। तो अब पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉट हो जाएगी ना, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? द टीचर ब्रॉट, स्पेलिंग BROUGHT, क्या स्पेलिंग हो जाएगी? BROUGHT, ब्रॉट। टीचर ब्रॉट अ बैरोमीटर टू द क्लास ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नीता सिस्टर डैश ब्यूटिफुली एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। तो लास्ट इवनिंग को नीता के सिस्टर ने किया होगा, क्या किया होगा ब्यूटीफुली पार्टी में? देखते हैं क्या सुटेबल है। स्विम, स्विमिंग तो नहीं की होगी पार्टी में, हैड भी नहीं आएगा, टेक नहीं, बाय खरीदारी तो नहीं की होगी, लिखा भी नहीं होगा पार्टी में, ब्रिंग कुछ लेके आ सकती है, सिंग हो सकता है, विन नहीं होगा, जीतेगी क्या, है ना। तो लेके क्या आई होगी? उसने कहा है बहुत सुंदर सा गाना गाया होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? सैंग, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? सैंग यूज करेंगे। ठीक है, तो नीता सिस्टर सैंग, SANG, सैंग ब्यूटिफुली एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। हरीश लॉस्ट हिज इंग्लिश नोटबुक, ही डैश द टेस्ट इन हिज रफ नोटबुक।
तो हरीश ने अपनी इंग्लिश नोटबुक गुम कर दी, इंग्लिश नोटबुक गुम कर दी, और अब उसने टेस्ट किस में दिया, रफ नोटबुक में दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से क्या आ जाना चाहिए। तो टेक, एग्जाम के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, टेक यूज करते हैं, और टेक की पास्ट क्या हो जाएगी, टुक। तो हरीश ने अपनी इंग्लिश की बुक लॉस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उसको एग्जाम किस में देना पड़ा, रफ नोटबुक में। तो एग्जाम हमेशा होता है टुक, जो एग पेपर देता है वो उसको टुक करता है, टेक करता है। ठीक है ना, तो ये हुए हमारे सी टू सेक्शन। साथ में हम डी सेक्शन भी देख लेते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन। तो इसमें क्या है, लिसन टू द फेमस एक्टर टॉक अबाउट हिज लाइफ, एक फेमस एक्टर है उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है। नंबर द पिक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पे तो जम्बल्ड है, सही सही नहीं बताया हुआ कि पहले क्या इवेंट हुआ, उसके बाद क्या इवेंट हुआ, पर हमें इसे अरेंज करना है। तो वो अपनी जर्नी बता रहा है अपनी लाइफ की, कि कैसे कैसे उसने ये अवार्ड जीता है। तो कभी वो एक गांव में रहता होगा, एक छोटा सा बच्चा होगा, है ना। तो मैं इसको नंबर वन दे सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा और उसने कॉलेज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया होगा, तो वो कॉलेज में जीता भी होगा, है ना। तो ये हो जाएगा नंबर टू, तो इसको मैं दे देती हूँ नंबर टू। उसके बाद उसको कोई मूवी मिली होगी जब उसने अच्छा काम किया होगा, और मूवी मिलेगी तो उसने वो मूवी बनाई है, तो ये हुआ उसका बनाते हुए टाइम का फेज। तो इसको मैंने नंबर थ्री दे दिया। और उसके बाद जो लास्ट में उस मूवी ने काफी अच्छा किया होगा और वो काफी फेमस रही होगी, जिसकी वजह से आज उसको फाइनली अवार्ड मिल रहा है, तो ये हो जाएगा नंबर फोर। ठीक है, तो ये हुआ सीक्वेंस, ये नंबर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो इस तरीके से वो आज फाइनली जीत गया। तो ये उसके लाइफ की स्टोरी रही। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक सभी चीजें बुक में फिलअप करेंगे और फिर अपनी बुक भेज देंगे चेकिंग के लिए। ठीक है ना, सो अच्छे से इनको फिल कीजिए और साथ में लर्न भी कीजिए, क्योंकि लर्न करेंगे तभी फायदा है इन चीजों का, नहीं तो क्या फायदा होगा, है ना। स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे और सारे जितने भी वर्ड्स आए हैं कि किसके अंदर क्या होगा, किसकी पास्ट टेंस क्या हो जाएगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।